पे। और आज हम दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना का टॉपिक जो है वो काफ़ी कवर करते रहते हैं इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आज हमारे साथ बने रहिए और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और क्या कुछ खास खबरें हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। और इसमें हम जो जुड़ी 10 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे कि जो वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इनकम ग्रुप लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हो, तो आपके अंदर ये आपको ये बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप ये हमारा चैनल जो है प्रॉपर्टी पंडित फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो सब्सक्राइब का लाल बटन है वो आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जितने भी ऑडियो जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें वो आए डायरेक्ट आपको मिल जाएं। और जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, बाजू में जो बेल आइकन रहता है वो बेल आइकन की भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये होगा कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम जैसे ही अपलोड वीडियो करें आपको तुरंत ही वो वीडियो मिल जाए। जैसे कि हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो दोस्तों ये जो चैनल है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको पहुँचाते रहेगा जो आपको बेनिफिट के लिए होगी दोस्तों। तो आज का ये जो टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी गरीबों के लिए 1 लाख और मकानों को मंजूरी दे दी गई है, यानी नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना मिशन चालू किया था 2022 में, सबका घर सबका विकास और सबका साथ सबका विकास वाला जो है वो उन्होंने फुलफिल करते दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो खास बातें क्या हैं, शहरी गरीबों के लिए 1 लाख और घरों को मंजूरी दे दी गई है और इस पूरी योजना में 4,200 करोड़ का और निवेश डाला गया है, और इसमें जो है होम लोन ब्याज पर भी वो सब्सिडी दे रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है कौन सी 10 चीज़ें जो ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों पहली चीज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ब्याज दर में सब्सिडी जो मिल रही है उसमें भी उन्होंने काफ़ी बदलाव किया गया है, और मध्यम वर्ग के जो है MIG ग्रुप जिन जो खरीदते हैं उनको भी वो सब्सिडी के अंदर शामिल कर दिया गया है। दोस्तों एक आधिकारिक रूप से ये जानने को मिला है कि जितने भी पूरे देश के करीब 2,191 शहरों और कस्बों के अंदर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए करीब 18,75,000 आवास जो का निर्माण होने वाला है, और ये जो है स्कीम चालू की गई थी 2015 में, और इसमें और निवेश 4,200 करोड़ का अभी करने को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों इसमें जो है पूरा ये इसके अंदर जो है प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंदर 6 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक के जो इनकम वर्ग है उन सबको ये सब्सिडी भी मिल सकती है और प्रधानमंत्री आवास योजना का वो लाभ ले सकते हैं। और इस सब्सिडी का जो है उनको नाम दिया गया है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप यानी MIG वर्ग जिनकी इनकम 6 लाख से लेकर 18 लाख तक है उनको भी ये बेनिफिट मिल रहा है। और दोस्तों ये जो बड़ी बात है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ने ये भी जाहिर किया है कि 12 लाख से लेकर जो 18 लाख की इनकम ग्रुप है उनको भी 4% से लेकर 3% तक की सब्सिडी उनको सबको मिल सकती है। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवेश होगा और 57,000 करीब घर जो हैं आवास हैं वो बनेंगे इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु, वहाँ पर भी करीब करीब 25,000 घर बनाए जाएंगे। और दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मध्य प्रदेश में अगर आप रह रहे हो और तमिलनाडु में रह रहे हो तो आपके लिए ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और दोस्तों तमिलनाडु में करीब 2.5 लाख जो हैं घर और बनाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, और 9,112 करोड़ का इसमें निवेश होगा, और जो है इसमें मध्य प्रदेश के अंदर ये करीब 2,66,000 यानी ऑलमोस्ट 2.5 लाख पौने 3 लाख घर बनाए जाएंगे, और इसमें करीब 18 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है। तो दोस्तों ये एक बड़ी चीज़ है और जो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें लागू की गई है, और सब्सिडी जो आपको मिल रही है वो 2,35,000 से लेकर 2,00 2,00,07,000
70,000 के करीब ये पूरा सब्सिडी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप कैसे निवेश कर सकते हैं और यानी आप कैसे इनका फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये हमारा प्रॉपर्टी चैनल जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपको हर दिन हर रोज आपको देते रहें। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो तुरंत आपको सबसे पहले ये वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।